Welcome to my channel. हेलो एवरीवन, तो आज मैं बताऊंगा आपको गूगल फ़ोटोज़ के कुछ फीचर्स के बारे में, जिससे कि आप किसी अदर एप्लीकेशन को यूज़ किए बिना अपनी फ़ोटोज़ का कोलाज बना सकते हैं और अपनी फ़ोटोज़ को मिक्स करके उनकी वीडियोस भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल फ़ोटोज़ एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। इसमें बॉटम राइट कॉर्नर पे लाइब्रेरी ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक कर लेते हैं और टॉप राइट कॉर्नर पे यूटिलिटीज़ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें हमें मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, बट इसमें से हमें कोलाज ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें हमें फ़ोटोज़ सिलेक्ट करनी होती हैं, जिसमें हम मैक्सिमम 6 फ़ोटोज़ ले सकते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, मैंने ये 4 फ़ोटोज़ सिलेक्ट कर लिए। टॉप राइट कॉर्नर पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारा फ्रेम कुछ इस टाइप से आ जाता है। अब इसमें हम अगर हमें किसी पर्टिकुलर फ्रेम को एडजस्ट करना है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमें किस फ़ोटो को कितना रखना है, कहाँ पे रखना है, अगर मुझे इस फ़ोटो को यहाँ पे एडजस्ट करना है तो मैं इसे इस तरह भी एडजस्ट कर सकता हूँ। और आपको बॉटम में दिख रहा होगा, सबसे नीचे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्रेम दिख जा रहे हैं, तो आपको जो वाला सही लग रहा है वो वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी ठीक है। बॉटम राइट कॉर्नर पे सेव ऑप्शन आ रहा है, तो इसको क्लिक कर लेते हैं, तो हमारा कोलाज बनके तैयार है। तो अब इसके नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। सेम यूटिलिटीज़ ऑप्शन में जाना है हमने। इसमें एनिमेशन ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, जो कि सबसे ऊपर दिखेगा। फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे, मैक्सिमम हम इसमें 50 फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको फ़ोटोज़ का एनिमेशन बना के दिखा देगा। इसको राइट कॉर्नर पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और ये आपको कुछ इस तरह से एनिमेशन बना के दिखा देगा फ़ोटोज़ का। तो गूगल फ़ोटोज़ के अगले फीचर के बारे में बात करते हैं। सेम यूटिलिटीज़ में जाएंगे, मूवीज़ ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ पे सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को सिलेक्ट करते हैं। अब मैं सेम 3 या 4 फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट कॉर्नर पे टॉप में क्रिएट कर लेंगे, वहाँ से उठा के अपने यहाँ पे लेता है और उसके बाद यहाँ से आप इनको एडिट कर सकते हैं। आपने किस फ़ोटो को कितना रखना है, कितनी उसकी टाइमिंग रखनी है, यहाँ से आप पर फोटो पे सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। अब इसको एक बार प्ले करते हैं, क्या रहता है इसका फीडबैक। अब यहाँ पर आप इसमें म्यूज़िक भी लगा सकते हैं, जैसे माई म्यूज़िक में आप जाके म्यूज़िक देख लें। मैं इसमें न्यू म्यूज़िक करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ।